आई होप दैट इज़ डूइंग गुड तो हमारी पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप लोग अंडर फाइव हंड्रेड डॉलर टू वन थाउजेंड डॉलर कमा सकते हैं जस्ट बाई गूगल विच मीनस दैट गूगल एड के साथ किस तरह से आप ब्लॉग को मॉनिटाइज कर सकते हैं और उससे अर्निंग कर सकते हैं एंड एम गोन टेल यू इन दिस वीडियो के हाउ यू गाइस कैन बिल्ड अ ब्लॉग और उस पर हम लोगों ने ब्लॉग किस तरह से लिखना है ए आई के थ्रू लिखना है या फिर हम लोगों ने फिजिकल मैनुअली तरीके से लिखना है आई एम गोन एक्सप्लेन एवरी सिंगल थिंग विद यू इन डिटेल आप लोगों ने ये वीडियो आखिर तक देखनी है ताकि आप लोग को ए टू जेड समझ आ जाए कि ब्लॉक किस तरह से बनाते हैं तो अगर आप लोग मेरी स्क्रीन पे देखें मैंने नीम चिप खोला हुआ है नेम चिप गाइज आप लोग यहाँ से जाके अपनी डोमेन होस्टिंग बाय करेंगे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है अगर आप लोग वो यूज़ करते हैं तो आप लोग को डिस्काउंट मिलेगा डेफिनेटली ट्वेंटी थर्टी डिस्काउंट है उसके अंदर और आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप लोग सबसे पहले डोमेन बाय कर लें उसके बाद होस्टिंग बाय कर लें अब उसके बाद आप लोग एक वेबसाइट बना लें अगर आपको वेबसाइट नहीं बनानी आती तो उसके भी बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ इन शाला जल्दी आ जाएगी वीडियो उसके बारे में भी वर्ल्ड प्रेस की जो वेबसाइट है वो बहुत ही सिंपल होती है इतनी ज़्यादा उसके अंदर कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती अगर आप लोग डोमेन वगैरह नहीं बाय कर सकते तो सिंपल मैं आप लोग को एक और तरीका बताता हूँ आप लोगों ने ब्लॉगर पर चले जाना है ठीक है ब्लॉगर पर चले जाना है और यहाँ पर जाके अपना ब्लॉग आप लोगों ने बना लेना है यहाँ पे आप लोगों ने आना है क्रिएट क्रिएटिव ब्लॉग पे क्लिक करना है जैसे आप क्रिएटिव ब्लॉग पे क्लिक करोगे तो आप लोग अपने यहाँ पे गूगल अकाउंट के साथ लॉग इन हो गए लॉग इन होने के बाद आफ्टर फ्रो यू विल क्रिएट अ ब्लॉग तो इस तरह के कुछ ब्लॉग आपको लिखने को मिलते हैं जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ये मैंने बहुत पहले ब्लॉग लिखे थे तो इसमें मुझे कोई अर्निंग नहीं हुई थी बिकॉज इसके अंदर मैंने एड सेंस ही नहीं क्रिएट किया था उस टाइम मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि किस तरह से एड सेंस बनता है किस तरह से होता है किस तरह से नहीं होता एंड आफ्टर दैट आई वट एव डेड इज़ मैंने खुद की वेबसाइट बनाई और उसके ऊपर किया तो डेफिनेटली उस पर अर्निंग भी हुई है ठीक है तो अब फॉर एग्जांपल मैं आपको प्रीव्यू दिखाऊं यहाँ पे जो आपको थीम्स वगैरह मिलेंगी तो इस टाइप की आपको थीम्स मिलती हैं तो इस टाइप की थीम आप लोग यूज़ करके आप लोग ब्लॉग्स लिख सकते हैं लेकिन एक चीज़ इसके अंदर आती है बहुत इंपॉर्टेंट अगर मैं यहाँ पे न्यू पोस्ट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे मैं एक ब्लॉग लिखता हूँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे पता होना चाहिए कि कौन सी नीच पे मैं काम कर रहा हूँ फॉर एक्जाम्पल मैं आपको नीशेस दिखा देता हूँ बेस्ट नीशेस ब्लॉगिंग सबसे अच्छी नीच अगर आप पकड़ेंगे सब नीच करेंगे तो ही जाके आप इसमें कामयाब होंगे अब हमारे पास बहुत सारी नीशज़ आ जाती हैं फीलिट मार्केटिंग आ जाती है बिज़नेस आ जाता है फैशन आ जाता है बिज़नेस वीडियो गेम्स मार्केटिंग डाइट का फिर हमारे पास टेक्नोलॉजी है पेट्स हैं हेल्थ एंड केयर है एजुकेशन है आप जिस पे भी ब्लॉग लिखना चाहते हैं आपकी जो भी एक्सपर्टीज़ हैं आप, एक्सपर्टीज है, आप लिख सकते हैं लेकिन आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि उसके अंदर सब फाइंड करें फॉर एग्जांपल जैसे अभी कुकिंग है कुकिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं अब मैं फॉर एग्जांपल कुकिंग सिलेक्ट करता हूँ तो मैं यहाँ पर स्पेसिफिक जैसे कि कोई चीज़ ले सकता हूँ जैसे कि आप कह सकते हो कि कुकिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें आप कुक कर सकते हो फ्रेंच फूड भी आता है इटालियन इटालियन कुकिंग भी आती है बहुत सारी चीज़ें आती हैं फ़ॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ इटालियन कुकिंग सिंपल मैं टाइप करता हूँ इटालियन कुकिंग तो इटालियन कुकिंग जैसे मैं टाइप करता हूँ तो इटालियन फूड भी आ जाता है ठीक है या आप इटालियन कुकिंग पे फोकस कर सकते हैं या फ्रेंच कुकिंग पे फोकस कर सकते हैं आप लोगों ने ये सारे कीवर्ड्स जो हैं ये सब फ़ाइंड करने हैं और कीवर्ड्स वर्ड्स कहाँ से फ़ाइंड करने हैं वो भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा लेकिन इस वीडियो का यही क्रक्स है कि सबसे पहले आप लोगों ने डोमेन बाय करनी है ये तो ब्लॉगर ब्लॉगर उन लोगों के लिए है जो आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है अगर आपके पास दस डॉलर ट्वेंटी डॉलर फिफ्टी डॉलर तक आप लगा सकते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ पर जाएँ डोमेन डोमेन बाय करें यहाँ पर जाएँ फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंच फ्रेंच कुकिंग ठीक है फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल के तौर पे पर आपको बता रहा हूँ फ्रेंच कुकिंग पी हम लोग अगर फॉर एग्जांपल ये डोमेन बाय करते हैं तो ये अवेलेबल नहीं है हमें बता देता है तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग ये बाय करेंगे यहाँ से फ्रेंच कुकिंग पी डॉट कॉम अवेलेबल है ये मुझे एट पॉइंट नाइन्टी एट डॉलर की मिल रही है मैं कूपन कोड्स भी नीचे दे दूँगा आप यूज़ करना आपकी डेफिनेटली इसमें हेल्प हो जाएगी तो जब मैंने ये यहाँ से डोमेन बाय करनी है ऐड टू कार्ट करूँगा ठीक है मैं आपको बता देता हूँ प्रोसेस में आप लोगों को समझा देता हूँ यहाँ से हम लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है एड टू कार्ड करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ गए हैं बिजनेस ईमेल है एसएसएल है, है हमारे पास हर चीज़ें आ गई हैं यहाँ पे ठीक है अब हमारे पास वर्ड प्रेस होस्टिंग भी आ गई आप, आप लोगों ने वर्ड प्रेस होस्टिंग नहीं लेनी ठीक है आप लोगों ने यहाँ से इसको ओके okay कर देना है यहाँ से आप लोगों ने कोई चीज़ नहीं बाय करनी मैं आपको उसकी रीज़न बताता हूँ आप लोग जाएंगे जब आप लोग ये बाय कर लेंगे तब आप लोगों ने होस्टिंग पे जाना है आप लोगों ने शेयर्ड होस्टिंग बाय करनी है ठीक है फॉर वर्ड प्रेस वेबसाइट्स यहाँ पे अगर मैं नीचे स्क्रॉल क्रॉल करूँगा तो हमारे पास ये आता है स्टेलर आता है स्टेलर बिजनेस आता है और हमारे पास इजी वर्ड प्रेस आता है तो हम लोगों ने शेयर्ड होस्टिंग बाय करनी है ये विच इज वन पॉइंट फोर्टी एट डॉर मंथ अगर आप लोग जाते हैं यहाँ पे क्लिक करते हैं तो तकरीबन आपको ये बहुत ही चीप पड़ता है सत्रह डॉलर का पड़ता है पूरे साल का विच इज वेरी वेरी गुड थिंग बहुत ही चीप है अगर दूसरे आप डोमेन प्रोवाइडर से मैच करके देखें तो ये बहुत ज्यादा चीप होता है तो जब आप लोगों ने यहाँ पे आके ब्लॉग सिलेक्ट कर लिया अपनी नीच सिलेक्ट कर ली ये एक सैम्पल ब्लॉग मैंने खोला आप लोगों के लिए ब्लॉग सिंपल होता है देखें अगर आप लोग ब्लॉग नहीं बना सकते तो आप लोग का सबसे ज्यादा आप लोगों के पास जो एक हल है वो ये है कि आप लोग जाए फाइवर पर जाए किसी को हायर करें वहां से ब्लॉग बना लें और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ब्लॉग बनाऊं तो मैं भी आपके लिए डेफिनेटली बना सकता हूं आप लोग डोमेन होस्टिंग परचेज करके मुझे दे दें मैं आपके लिए डोमेन बना दूंगा मैं आपके लिए सॉरी वेबसाइट बना दूंगा ठीक है वेबसाइट की कोई मसला नहीं है द थिंग इज़ दैट आप लोगों ने नीश अच्छी फाइंड करनी है देखिए आप एक दफ़ा वेबसाइट बना लेते हैं डोमेन बाय कर लेते हैं ब्लॉगिंग के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इन्वेस्टमेंट जो आपकी है इतनी ज़्यादा नहीं लगती आपका टाइम लगता है आपकी स्किल्स यूज़ होती हैं फॉर एक्जाम्पल अब यहाँ पर हमारे पास कुछ टूल हैं की रिसर्च के एच हो गया मैं आपको दिखाता हूँ एच आर एफ अगर मैं एस सी एम ब्रश यूज़ करना चाहता हूँ तो आप लोग एस सी एम ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है कीवर्ड रिसर्च टूल है सिंपल है कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है अगर आप ये पेड टूल नहीं यूज़ कर सकते तो सिंपल इसका मैं अल्टरनेटिव आपको बताता हूँ आप लोगों ने यूज़ करना है कीवर्ड गूगल गूगल कीवर्ड के अंदर जाना है गूगल एड्स के अंदर जाना है और गूगल कीवर्ड का ये टूल यूज़ करना है ठीक है यहाँ से मैं साइन इन हो जाता हूँ सानिनो के मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि किस तरह से हम लोगों ने जाना है और किस तरह से हम लोग इसको यहाँ पे आके कीवर्ड्स वगैरह फाइंड कर सकते हैं और कीवर्ड्स लगा सकते हैं गूगल एड्स के अंदर आप लोगों ने लॉग इन हो जाना है मैं आपको दिखाता हूँ लॉगिन होने के बाद सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे जा है डिस्कवर न्यू की ठीक है यहाँ पे आप लोगों ने अलग अलग कीवर्ड्स फाइंड करने हैं देखिए आप मेरी यहाँ पे जो लोकेशन लगी है वो यू की लगी है यहाँ आप सिंपल सेव कर दें ऑल लोकेशन कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे आप खाली यूनाइटेड स्टेट चूज़ कर लें क्योंकि आप लोगों ने जो भी ब्लॉग्स वगैरह लिखने हैं वो मेक श्योर करना है कि वो यू की रेंज के अंदर हों ज़्यादा बेहतर हैं आप लोग मेक श्योर कर सकते हैं कि अगर जो कंट्री से आपको ट्रैफिक ज़्यादा आ रही होगी तो आपकी अर्निंग भी उसी बेस पे होती है आपको ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग होती है ठीक है एज़ पर माई एक्सपीरियंस तो मैं आपको बताता हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं कोई की वर्ड फाइंड करता हूँ जैसे कि जैसे कि मैंने आपको बताया था फ्रेंच कुकिंग ये की वर्ड हम लोगों ने फाइंड किया फ्रेंच कुकिंग और मैं गेट रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ तो हमने क्या करना है कि हम लोग जितने ये की वर्ड वगैरह हैं सब हमने ऐड करने हैं की वर्ड ऐड करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कॉम्पटिशन जो हमारा है वो मीडियम है अब ये फ्रेंच कुकिंग जो है इसके ऊपर एवरेज सर्विस जो है वो हंड्रेड से लेके थाउजेंड तक है जो एक एवरेज है तकरीबन आपको इसमें अच्छी ट्रैफिक मिल जाएगी लेकिन अगर मैं कंपटीशन इसका जाके नेहरू करूं तो यहाँ पे बहुत हाई कंपटीशन है ठीक है तो इसके जितने कीवर्ड्स होंगे वो मैं साइड पे लिखता जाऊंगा नोट्स के अंदर मैं आपको बताता हूँ नोट पैड आप लोगों ने खोलना है यहाँ से नोट पैड खोलने के बाद सिंपल आप लोगों ने यहाँ पर लिखता जाना है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होंगी आप लोगों ने यहाँ पर लिखती जानी है ठीक है जो जो आपको यहाँ पे कीवर्ड्स वगैरह मिले आप लोगों ने यहाँ पे सेव करते जाने एट द एंड वो कीवर्ड्स के हिसाब से आप लोगों ने यूज़ करके लिखना है एक ब्लॉग लिखना है चाहे वो आप यहाँ पे लिख लें अपना क्या कहते हैं अपने ब्लॉगर पे लिख लें अगर आप ब्लॉग पे नहीं लिख सकते तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीका मैं आपको बता रहा हूँ वो यही है कि मेरे भाइयों और बहनों अपना डोमेन परचेज करो नेम चीप से होस्टिंग परचेज करो और आप लोग कर सकते हो ठीक है अगर मैं आपको अपना ब्लॉग दिखाऊँ तो इट्स अ वेरी सिंपल ब्लॉग मैंने इसको टच ही नहीं किया बहुत टाइम से देखें इस तरह लिखा हुआ है ये ट्वेंटी ट्वेंटी वन में मैंने लिखा था जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान था डिफरेंट डिफरेंट साइड एसल्स ट्राई कर रहा था मुझे कुछ मिल नहीं रहा था तो ये मैंने साइड एसल ट्राई की थी अब मैं विजिट प्रोफाइल पर अगर कोई भी जाता तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरी प्रोफाइल है सिंपल सी तो आई हैव रिटर्न लाइक मैं ट्वेंटी ट्वेंटी से लिख रहा हूँ ठीक है तो द थिंग इज़ दैट कि मैंने खुद ट्राई की और इसलिए मुझे पता है अभी जो मेरी अलहमदिल्ला वेबसाइट है इट्स वेरी गुड वेबसाइट फिल्ट मार्केटिंग वेबसाइट और वो भी मैं आपको आने वाले टाइम में सिखाऊंगा ठीक है लेकिन मेक शोर sure करना है कि अगर आपको जो चीज़ नहीं आती आप लोग किसी से पूछ लें या किसी से सीख लें ये सबसे ज़्यादा मिसाल अगर मैं इसकी दूँ ये एक ब्लॉग हमारे पास है हम इसकी ट्रैफिक अगर चेक करना चाहें तो यहाँ पे मैं इसकी डोमेन इंटर करता हूँ इंटर करके एनालिसिस करते हैं ठीक है इसका और एनालिसिस करने के बाद आपको पता लगेगा कि इसकी कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है ये पंच ऑफ यम जो वेबसाइट है अगर मैं आपको दिखाऊं, इसके जो यूनिक विजिटर्स हैं वो 2.4 मिलियन विजिटर्स हैं विच मीन्स दैट दिस वेबसाइट इज अर्निंग वेरी वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी ठीक है इसके कम्पटर्स भी आप देख सकते हैं यहाँ से देख सकते हैं कंप्यूटर्स कितने इसके कितने नहीं है ठीक है ऑडियंस देख सकते हैं तो इट्स अ काइंड ऑफ अ गुड टूल आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन टूल को तो टूल तो बाद में आता है लेकिन सबसे पहले यह आता है कि आपने कौन सी नीच पे काम करना है इन अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा ब्लॉगिंग के लिए या आप नॉर्मल वेबसाइट बनाने के लिए ताकि आप लोग को पता चले कि वर्ड प्रेस पर वेबसाइट किस तरह बनती है और किस तरह से आप लोग वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं थैंक यू सो मच गैस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अल्लाह हाफिज़